Hey guys, very very good morning. कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है रुचि एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, डस्टिंग चल रही है हमारे घर में और आज विवेक को भी मैंने मेरे साथ साथ काम पे लगा दिया है क्योंकि मेरा जैसे आपको पता है सोफ़े की गद्दी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, आगे पीछे हो जाती है और इसका जो कवर है वो भी कई बार आगे से आ जाता है तो कई बार हमें इसको पूरा निकाल के ठीक करना पड़ता है. तो मैंने सोचा ठीक कर लेते हैं, थोड़ा आगे से आ गया था इसलिए वो रखा हुआ भी ऑकवर्ड लगता है. और जब मैं ये निकाला ही है तो मैं सोची इसको झाड़ डालूँ अच्छे से क्योंकि ये जो सोफ़े का गद्दी है ये पूरा निकल जाता है, जैसे आपने देख लिया उसके अंदर हम लोग अटैच कर देते हैं, चाहे तो निकाल ले चाहे तो कवर धो दे, ऐसा है. तो मैंने सोचा इसको झाड़ ही दूँ पूरा नीचे तक. तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूल दिख रही है आपको, काफ़ी धूल उड़ रही है यहाँ पे. तो बस यही चल रहा है, विवेक के साथ लग के मैंने इसको ठीक किया है. और यहाँ भी देखिए इस तरह से कुछ इन्होंने ये दिया हुआ है, मतलब जहाँ से हमने सोफ़ा परचेज़ किया था कस्टमाइज साइज़ देके बनवाना पड़ा था क्योंकि जो मेरा ये ड्राइंग रूम है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है मेरा ड्राइंग रूम. तो जो सोफ़े तैयार मिलते हैं वो साइज़ इसमें फिट नहीं हो रहा था, छोटा पड़ रहा था, फिर कस्टमाइज साइज़ देके ये सोफ़ा हमने रेडी करवाया था. तो बस ये गद्दी हमने वापस से लगा दी है तो देखो अब काफ़ी अच्छी लग रही होगी आपको, है ना? अच्छी लग रही है अब रखी हुई. तो वापस से एक बार झाड़ दूंगी मैं, ये मैं वीक में एक बार करती हूँ. आपने वैसे मेरे डस्टिंग रूटीन में हमेशा देखा होगा कि वीक में एक बार आपको मिल जाती होंगी मैं इस तरह से डस्टिंग करते हुए. थैंक यू सो मच, आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं. कल कुछ लोगों के नाम लिए थे तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो गए हैं कि दीदी आपने हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया. सो सॉरी गाइज, आने वाले ब्लॉग्स में ले लूँगी. इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स इतनी सारी क्वान्टिटी में आते हैं ना कि मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ किसका लूँ किसका छोड़ूँ. तो सॉरी, रियली सॉरी जिसको भी बुरा लगा है, लेकिन मैं सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. तो ये विंडो ओपन कर रही हूँ मैं, यहाँ भी झाड़ रही हूँ. विंडो ओपन करके ना इस रूम में बड़ी प्यारी सी बाहर से लाइट आती है, कैमरे में इतना कैप्चर नहीं होता है लेकिन इस रूम में बहुत अच्छी लाइट आती है दोनों विंडो से. दोनों विंडो मतलब बैक टू बैक हैं, बाजू बाजू में हैं. तो अब हम ये छोटा सोफ़ा भी कर देंगे. ये छोटे सोफ़े का भी जो ऊपर वाला कवर गद्दी है वो पूरा का पूरा निकल जाता है, जैसे आप देख सकते हो. ये देखिए हमने पूरा निकाल डाला है और ये काफ़ी टाइम के बाद हमने पूरा निकाला है, शायद दिवाली पे निकाला था लास्ट टाइम. तो मैंने सोचा इसको भी झाड़ डालूँ अच्छी तरह से और विवेक की हेल्प ले रही हूँ मैं आज. वैसे जनरली अकेले डस्टिंग कर देती हूँ लेकिन अब ठीक है ना यार, वैसे भी आपको पता है मर्द लोग कभी कभी ठीक से काम करते हैं, बाकी इनका काम करने का मूड कभी होता ही नहीं है. और कल के ब्लॉग में जो मैंने मर्दों की बात डिस्कस की थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ऐसा भी है और कमेंट भी किया है कि यस हमारे हस्बैंड्स भी ऐसा ही करते हैं. तो कोई बात नहीं, ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है इसे खट्टा मीठा रिलेशनशिप कह सकते हैं. अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, चीज़ों को चला लेना चाहिए यार, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. तो मेरा यही सजेशन है, छोटी मोटी लड़ाइयों को अवॉइड करो, नेग्लेक्ट करो. कुछ हो भी जाए तो भैया आधे पौने घंटे में बात करें. हाँ कोई बड़ी बात है और कुछ सच में रियलाइज़ कराने जैसा है तो रियलाइज़ कराना भी चाहिए हस्बैंड्स को. तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि वैसे तो शीतल आए ही लेकिन वो लेट आती है और जब मैं ये झाड़ती हूँ सोफ़ा वगैरह तो आप समझ सकते हो काफ़ी धूल नीचे गिर जाती है, काफ़ी कचरा भी होता है, बच्चों से बिस्किट विस्किट खाया हुआ भी नीचे चला गया था. और ये सिलेंडर मुझे यहाँ से उठा के रखना है. एक्चुअली यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था गैस की पाइपलाइन आ चुकी है मेरे फ्लैट के बाहर तक, मुझे फॉर्म भरने जाना है और वहाँ से अप्लाई करना है तो वो भी मैं बहुत जल्दी कर दूंगी. चलिए आपको एक बहुत अच्छे फटाफट दो मिनट में एक प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ. ये है पर्पल की लिप क्रियॉन और पर्पल की लिपस्टिक जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब इतने लॉन्ग लास्टिंग है कि मैं आपको क्या बताऊँ. इनका लिप क्रियॉन भी बहुत अच्छा है पर्पल का और लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है. और ये नई रेंज अभी लॉन्च हुई है पर्पल अल्ट्रा HD वेलवेट मैट लिपस्टिक. तो यहाँ पर मैंने कवर में से निकाल दिया है तीनों को, आप देख सकते हो कितनी स्लीक और ब्यूटीफुल सी पैकिंग है तीनों की. इस लिप क्रियॉन में आपको ढेर सारे कलर्स मिल जाएंगे. इसका नाम है पर्पल प्ले टाइम सॉफ्ट मैट लिप क्रियॉन और मेरा जो शेड आप देख रहे हो नेवर हैव आई एवर टाइम 3, ये बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूड शेड है, बहुत ही सुंदर सा शेड है और जब आप लगाएंगे बहुत क्रीमी है और उसके बाद एकदम मैट हो जाता है. तो ये है पर्पल अल्ट्रा HD वेलवेट मैट लिपस्टिक. एक है वंडरिंग कंपेनियन 1 और दूसरा है स्लीप ओवर कंपेनियन 9. तो आपको मैं लिप स्वेच भी सॉरी हैंड स्वेच भी दिखा देती हूँ. ये पहला वाला जो ऊपर आप देख रहे हो लिप क्रियॉन है, सेकेंड वाला है वंडरिंग कंपेनियन 1 और सेकेंड है स्लीप ओवर कंपेनियन 9. तो चलिए अब एप्लीकेशन भी दिखा देती हूँ. सबसे पहले लिप क्रियॉन लगा के दिखाती हूँ. एक्सट्रीमली क्रीमी लगता है जब आप इसको अप्लाई करते हो लेकिन थोड़ी देर में एकदम मैट की तरह से सेट हो जाता है, फिर इसके बाद ये निकलता नहीं है. बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है, न्यूड लवर्स के लिए बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो निकल भी नहीं रहा है. तो चलिए अब ट्राई करते हैं पर्पल अल्ट्रा HD वेलवेट मैट लिपस्टिक, जिसका मैं सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे वंडरिंग कंपेनियन 1 जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड ऑरेंजिश शेड है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. इसमें बहुत सारे शेड मिल जाएंगे आपको, आप जाके क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो. दूसरा शेड यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ मैं जिसका जो नाम है दैट इज़ स्लीप ओवर कंपेनियन 9. ये भी पर्पल अल्ट्रा HD वेलवेट मैट लिपस्टिक है और बहुत ही ब्यूटीफुल रेड शेड है, डार्क रेड शेड है ये. आप अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो बाय कर सकते हो और सेट हो जाता है लगने के बाद
लगाते टाइम एकदम क्रीमी लगता है, लेकिन लगने के बाद दो मिनट बाद एकदम सेट हो जाता है, कहीं नहीं जाता और टोटली मैट हो जाता है। और आप इसे किस मतलब किस प्रूफ कह सकते हैं इसको, तो बहुत ही अच्छे लिप कलर्स हैं। और अभी वहाँ पे चल रही है रिपब्लिक डे सेल, जिसमें अगर आप 3 कोई भी पर्पल के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो आपको मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक है, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, क्लिक करना, देखना और बाय भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारा चाय का टाइम हो चुका है तो यहाँ हम चाय पी रहे हैं और आज चाय के साथ हम लोग खा रहे हैं बटर्स और परवारी और मारी बिस्किट और मेरा फेवरेट मैकविटी। आज कोई भी गरम नाश्ता नहीं बना है अभी तक, शायद थोड़ी देर के बाद बनाएंगे। अभी आज ना अभी घर पे है, प्रिशा स्कूल गई है तो अभी सोया हुआ है, अभी तक उठा नहीं है, बस उठने वाला होगा क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। तो ये देखिए मेरा बाबू भी उठ के आ गया है, बस अभी पहुंचा है आगे रूम में, अंदर था अभी तक सोया हुआ था और आके मेरी गोदी में लेट गया है। हम लोग बातें करते करते चाय पी रहे हैं और जब बच्चे सो के उठते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं ना। मुझे ना जब मतलब छोटा था ये, इवन प्रिशा भी और अभी भी जब ये सो के उठ के आते हैं ना तो शायद सभी माएँ समझ सकती हैं, उस वक्त बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं और इतना ऐसा मन करता है ना बस इनको किसी करके ना इनके गाल मचोड़ दो, ऐसे मन करता है। तो बस इसीलिए मेरी गोदी में लेटाया हुआ है इसको। अब आगे का काम करूँगी, घर में काफ़ी सारे काम पड़े हुए हैं, बहुत सारे कपड़े उतारे हुए रखे हैं जिनको मुझे तह लगाना है, तो बस अभी वही करने जा रही हूँ। तो चलिए वो भी कर लेते हैं और साथ में मामा का फ़ोन आया हुआ है तो बस मामा से बात करते 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 मैं कपड़ों को तह लगा रही हूँ और ये बिस्तरे भी लगे रह गए आज। एक्चुअली आज हुआ क्या, जब मैं चाय पी रही थी विवेक के साथ, आपने देखा, उसके बाद विवेक के क्लाइंट आ गए थे, मतलब विवेक के क्या हमारे क्लाइंट आ गए थे और वो काफ़ी टाइम बैठे रहे, लगभग 2.5-3 घंटा कुछ काम था उनको, तो 2.5-3 घंटे मेरे ऐसे ही निकल गए और काफ़ी सारा काम पड़ा रह गया। उसके बाद विवेक के एक और फ्रेंड आ गए तो वो भी करीब 1 घंटा बैठे रहे, तो होता है ना मतलब चाय नाश्ता और साथ में उनकी वाइफ भी थी तो फिर मुझे भी बैठना पड़ा ना, तो सब कुछ लेट हो गया है। और जिस दिन ऐसे लेट हो जाता है ना उस दिन मेरा व्लॉग जाना भी लेट हो जाता है। आप लोग कई बार देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि मेरा व्लॉग भी लेट हो जाता है जाने से, तो क्या करें, हो जाता है मतलब कभी कभी, अब घर गृहस्थी लेके बैठे हैं तो लेट हो जाता है। और कल ना मुझे एक कमेंट आया था, जैसे जनरली मैं कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है ना कि आजकल मतलब बिज़ी चल रही हूँ, एक यूट्यूबर बहुत बिज़ी रहता है, तो किसी ने मुझे ऐसे कमेंट किया था कल कि आप मतलब क्या बिज़ी रहते हो, आप दूसरे यूट्यूबर्स को देखो और ऐसा वैसा। तो डियर मैंने सिर्फ आपको यही तो बताया है कि मैं बिज़ी रहती हूँ और वो तो हर कोई यूट्यूबर रहता है, आपको बताए कि ना बताए, क्योंकि नेचुरल सी बात है, दो बच्चों की एक माँ जो पूरा घर चलाती है, मतलब पूरे घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, किचन की जिम्मेदारियाँ सबके बाद अगर उन यूट्यूब भी करना है, अपने वीडियोस भी बनाने हैं, नो डाउट मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ये मेरा खुद का शौक है, पैशन है, लेकिन फिर भी टाइम टेकिंग तो सभी चीज़ें होती हैं, मतलब साथ साथ घर भी मैनेज करना, बच्चों को भी और यूट्यूब चैनल भी, तो इट्स नॉट अ ईजी जॉब। तो टाइम की कमी तो रहती ही है। जनरली जो लेडीज़ सिर्फ बच्चों को संभालती हैं और घर का काम करती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके पास भी एक मिनट की फुर्सत नहीं होती है। मुझे आप बताइएगा कमेंट करके, जिसके भी बच्चे हैं और सिर्फ वो घर ही संभाल रही हैं और कोई काम एक्स्ट्रा नहीं कर रही हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि क्या वो फ्री रहती हैं। वो भी फ्री नहीं रहती हैं। और फिर साथ में जब यूट्यूब का चैनल संभालना हो, पूरा का पूरा हैंडल करना हो अकेले, जिसमें मेरे हस्बैंड से मैं कोई हेल्प नहीं लेती हूँ, मैं अकेले हैंडल करती हूँ, तो थोड़ा सा वक्त की कमी तो रहती है। तो इसीलिए ऐसा हो जाता है कि घर में बहुत सारे काम, जैसे कि मुझे कुछ बेडशीट्स लानी है, मुझे ये भी कमेंट आ रहा है कि आपके पास बेडशीट्स नहीं है क्या, आप 2-3 ही बिछाया करते हो। यस, कमी पड़ गई है अभी, आजकल नहीं है। और किसी ने कल ये भी लिखा था कि लेना नहीं चाहती हो या पैसे नहीं है, तो डियर ऐसा कुछ नहीं है, वही वाली बात आ जाती है फिर से, वक्त की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। सोचते सोचते किसी काम के लिए मुझे जब 8-10 दिन हो जाते हैं तब मैं फाइनली कहीं निकल पाती हूँ, क्योंकि नेचुरल सी बात है घर भी संभालना है, अपने ब्लॉग्स की एडिटिंग, ये वो अपलोडिंग, बहुत काम हो जाता है, आपको ईजी लगता है लेकिन एक यूट्यूब चैनल रन करना ईजी नहीं है। और चलिए फिर छोड़िए ये बात, बस मुझे ये रिप्लाई करना था, मैंने कर दिया। तो अब ये कपड़े वगैरह सबके उठा के मैं जमा रही हूँ सबकी अलमीरा वगैरह में, जहाँ जहाँ रखने हैं। और आज तो सभी कुछ बहुत लेट हो गया है तो शायद मैं खाने की कोई रेसिपी भी शेयर नहीं करूँगी। और हाँ, मैंने गाजर का हलवा लास्ट टाइम जब 2 बार बनाया था तो 1 बार रेसिपी शेयर की थी, 1 बार नहीं की थी, तो किसी का कमेंट आया था
परसों के व्लॉग पे कि दीदी गाजर की रेसिपी प्लीज़ शेयर कीजिए, तो आई थिंक उन्होंने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है। तो आज घर में आ गई हैं 3.5 किलो के करीब गाजर, घिसते घिसते हमारा दम निकल गया है और गेस्ट भी आ गए थे घर में, तो बहुत लेट हो गया है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा क्योंकि गाजर घिस चुकी हैं, उनको रख नहीं सकते, नहीं तो गाजरें ख़राब हो जाती हैं। तो बस वही अभी मैं गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ, और किसी की रिक्वेस्ट है इसीलिए बस मैं गाजर के हलवे की रेसिपी फटफट शेयर कर देती हूँ। तो जिसने फर्स्ट टाइम ना देखा वो सेकंड टाइम देख ले। ये विवेक के कपड़े आयन होके आए हैं, एक हमारे यहाँ पे आंटी आते हैं लेने के लिए, तो वो दे के गए हैं, वो उठा के उनकी अलमीरा में जमा रही हूँ मैं, और ये जो बेडशीट है इसमें लपेट के देती हूँ मैं। तो बस चलिए फिर गाजर का हलवा बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी गाजरें मैं सोच रही हूँ, मेरी बड़ी कढ़ाई तो पुराने वाले घर पे रखी हुई है, तो मैं बनाऊँगी कैसे, आधा आधा करके बनाऊँगी, होपफुली कुछ ऐसे करूँगी। तो बस अभी शुरू करूँगी, तो जिसने भी गाजर का हलवा नहीं देखा ज़रूर देख लेना और इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कर लेना, बहुत टेस्टी बनता है जिससे मैं बनाने जा रही हूँ। और ये मैंने अभी के कपड़े तैयार किए क्योंकि अभी नहाया नहीं है, जब ये स्कूल नहीं जाता है तो बहुत आराम से नहाता है, बहुत धीरे धीरे, मतलब स्लो काम करता है, तो बस इसको बोल रही हूँ भाई तो नहा ले भैया, नहा ले, नहा के बैठ। और ये सॉक्स वगैरह भी निकाले हैं, मेरा टाइनी सा ये ट्राईपॉड था। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में गाजर का हलवा बनाने। पहले दूध उठा के फ्रिज में लगा देती हूँ, अब ये कढ़ाई चढ़ाई है मैंने, और घी भी ख़त्म हो गया है पर थोड़ा सा कटोरी में रखा है, मैंने सुबह निकाला था। तो बस चलो मैं बताती हूँ, थोड़ा सा घी डाल देना है कढ़ाई में सबसे पहले। जिसने भी हलवे की रेसिपी नहीं देखी दोबारा देख ले किस तरह से मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और बस थोड़ा सा ही घी डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस नाम के लिए। और फिर इसमें गाजरें डाल देनी है घिसी हुई, ठीक है। आज मैं बना रही हूँ 3.75 किलो गाजर का हलवा, तो उसी हिसाब से आपको बताऊँगी। तो ये आधी गाजरें मैंने डाली हैं क्योंकि 3.25 किलो तो यानी बहुत सारा हो गया, मेरी कढ़ाई में नहीं आने वाला, तो मैं दूसरी जगह पे चढ़ाऊँगी। और फिर जब थोड़ी सी बूझ जाएंगी ना गाजरें, कम हो जाती हैं जब हलवा बनाते हैं, तो जब कम हो जाएगी तब उसको एक ही कढ़ाई में इसी में मिला दूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये चूँकि ज़्यादा लग रही हैं तो एक में चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना ही चलाना मुश्किल हो रहा है। तो इसको मैं दूसरा तरफ एक कुकर में चढ़ा दूँगी दूसरी वाली गाजरों को, नहीं सीटी बिल्कुल नहीं लगानी है, इसी तरह से खुला करके ही पकाना है। और फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बनता है इस तरह से। तो जैसे कि आपने देख लिया, मैंने कुकर में दूसरी जगह पे भी चढ़ाया हुआ है और उसमें भी थोड़ा सा घी डाल दिया है। तो बस इसको ना तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका थोड़ा सा पानी, मतलब थोड़ी सी गाजर ना गल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है इस टाइम पे, बस थोड़ी सी ही गलानी है। आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे थे तो मैंने सोचा चलो इनको साथ साथ वॉश कर दूँ। ये वो वाले वॉश कर रही हूँ जिनके ऊपर गाजर घिसी रखी थी, क्योंकि गाजर ही घिसी हुई थी इसलिए कुछ गंदे तो होते नहीं। तो मेरी आदत है कि जब कोई इस तरह की सब्जी वगैरह मैं काटती हूँ उस बर्तन को तुरंत ऐसे ही पानी से धो के रख देती हूँ, क्योंकि गंदा तो होता नहीं, बिना काम फिर नेक्स्ट डे तक बहुत बर्तन हो जाते हैं, आंटी एक ही टाइम आते हैं, दैट्स वाई। और मैं आपको शॉर्ट में एक गाजर के हलवे की रेसिपी दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी एक बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, जिनको आइडिया नहीं है उनको आइडिया देने के लिए। तो ये देखिए ये गाजर थोड़ी सी हो गई है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी पता है, सिर्फ एक कप दूध डालूंगी, एक या दो कप, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब एक कप इसमें और एक कप उस कुकर में, यानी टोटल 3 किलो हलवे में 2 ही कप दूध डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी, वो सिर्फ इसलिए जिससे कि गाजर जो है वो प्रॉपरली गल जाए, दैट्स इट। इसके बाद बनाऊंगी मैं मावे का हलवा या फिर खोया का हलवा आप कह सकते हो। तो ये देखिए खूब अच्छे से दूध सूख चुका है, जब दूध सूख जाए तब इसमें चीनी डाल देनी है। ऑलरेडी मैं थोड़ी सी चीनी डाल चुकी हूँ, ज़्यादा चीनी मैंने नहीं डाली है बिकॉज मैं मीठी बर्फ़ी डाल रही हूँ, अगर आप खोया डाल रहे हैं तो ज़्यादा चीनी डालिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 किलो हलवे के लिए कुछ 500 ग्राम बर्फ़ी मंगाई थी मीठी वाली, चीनी वाली, इसलिए चीनी मैंने बहुत कम डाली है। और जब आपने दूध डाला था ना 2 कप, तो उसको चला चला के पूरी तरह से सुखाना है, ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और जब पूरी तरह से सूख जाए फिर शुगर डालनी है, और फिर शुगर का पानी छूटेगा ना उसको भी अच्छे से चलाना है, जब वो पूरी तरह से सूख जाए अच्छी तरह से तब उसके अंदर आपको ये मीठी बर्फ़ी या खोया जो भी आप चाहो वो डाल सकते हो। अगर आप
फीका खोया डाल रहे हो यानी कि मावा, तो आप चीनी ज़्यादा डालिए। तो यहाँ देखिए मेरा जो चीनी का पानी है आपको मैं चमची से दबा के दिखाया, अच्छी तरह सूख चुका है, तो इसमें मैंने ये बर्फ़ी डाल दी है तोड़ के, और ये बर्फ़ी का हलवा बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में थोड़ा सा घी जाएगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत कम डाला था, तो 2 चम्मच जैसा घी डाला है, आप चाहो तो इससे भी कम डाल सकते हो। मैं जो हलवा बनाती हूँ बहुत कम घी का बनाती हूँ क्योंकि इसमें मैंने बर्फ़ी भी डाली है, और कम घी का हलवा ना हैवी नहीं लगता, खाया भी जाता है। बस अब ये जो है ना ये मेन स्टेप है, ये मैंने इलायची डाली है जो मैंने कूट के रखी थी, ये मेन स्टेप है गाइस। यहाँ आपको ध्यान रखना है जब आप ये बादाम काट रही हूँ मैं साइड पे, जब ये वाला स्टेज आ जाता है ना हलवे का फाइनल स्टेज, उस टाइम पे आपको हलवे को तब तक चलाना है, तब तक खींचना है कढ़ाई में जब तक वो कढ़ाई ना छोड़ दे, और उसका सभी चीज़ों का पानी यानी उसके अंदर किसी तरह का कोई पानी नहीं रहना चाहिए, वो आप चमची से दबा के देख सकते हैं, वहाँ तक आपको चलाते जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप कच्चा मावा डाल रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मावे को पहले भूनें फिर ऐड करें, लेकिन मैं बर्फ़ी डाली इसलिए डायरेक्ट डाल दिया क्योंकि बर्फ़ी में मावा ऑलरेडी भुना हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ किसी तरह का आपको पानी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको दबा के भी दिखा दूंगी, हलवा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। और जब कुकर में जब कढ़ाई की गाजर कम हो गई थी ना, आपको कन्फ्यूज़न रहेगा इसलिए बता देती हूँ, तो मैंने हलवा एक साथ कर दिया था कढ़ाई में क्योंकि गाजरें जो हैं बुझ गई थी, मतलब कम हो गई थी, तो फिर कढ़ाई में वो आ गया था। वेल मेरा हलवा तैयार हो चुका है, तो इसमें मैंने बादाम डाल दिया, ऊपर से गार्निश कर दिया है, और इलायची पहले डाल दी थी, चाहो तो और भी मावे डाल सकते हो आप, मेवे वगैरह। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया कलर खिल के आया है, और इस तरह से हलवा ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा यमी बनता है, इसमें कोई पानी नहीं, आप देख सकते हो पूरा हलवा अच्छे से भुन चुका है, कढ़ाई छोड़ दी है हलवे ने। तो आ जाइए आप भी गर्मा गर्म हलवा इन्जॉय कर लीजिए, साथ में ये डाले मैंने ढेर सारे बादाम, और अब मैं निकालूंगी सबसे पहले गणपति बप्पा के लिए। तो देखिए साइड पर निकाल के रख दिया, चलिए फिर मिलती हूँ आपको फाइनली कैमरे के सामने। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ रुचि। तो अभी शाम के 7:15 हुए हैं और हमारी शाम की चाय रखी हुई है, गाजर का हलवा बन चुका है, बहुत ज़्यादा यमी बना है, मतलब आप सोचोगे हमेशा खुद की तारीफ़ करती रहती है, नहीं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छा बना है। विवेक भी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, और वैसे भी मेरे हाथ का हलवा विवेक को बहुत अच्छा लगता है, उसका रीज़न है जब मैं हलवा बनाती हूँ ना तो उसका पानी प्रॉपरली सुखा देती हूँ। और आज आपको आँखें मेरी थकी लगेंगी, और सच में थकी हुई है, मुझे आज दिन में बहुत नींद आ रही थी, मुझे आज बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों बैक पेन और पाँव में दर्द हो रहा है क्योंकि पूरा दिन ऑलमोस्ट मेरा खड़े खड़े गया है। आज गेस्ट आ गए थे घर में, सुबह में क्लाइंट आए थे, वो काफ़ी टाइम तक बैठे रहे तो काफ़ी थकान फील हो गई मुझे, और फिर हलवा वगैरह बनाया, खाने का किया, खाने का शेयर नहीं किया बिकॉज़ कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में बनाते रहते हैं, फिर वो आपने देखी हुई होती हैं इसलिए बस शेयर नहीं किया मैंने। तो गाजर का हलवा वैसे कई बार शेयर मैंने पहले भी किया है आई थिंक, बट फिर भी एक आइडिया आपको दे दिया, और काफ़ी यम बना हुआ है। शायद एक प्रिशा के फ्रेंड के घर पे जाना है मुझे देने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि उनका डब्बा रखा हुआ है तो कुछ रख के देते हैं ना, खाली डब्बा नहीं देते। तो आज पूरा दिन बहुत हेक्टिक गया जिस वजह से कमर पाँव बहुत दुख रहा है, और इसीलिए दोपहर में सोने के लिए थोड़ा सा लेटी थी मैं यहाँ पे, लेकिन अभी इतना शोर मचाया ना, आज मेरा दोनों बच्चों से झगड़ा हो गया है बहुत ज़्यादा, इतना शोर मचाया उसने कि मुझे सोने नहीं दिया, आँखों में देखिए नींद भरी हुई है मेरे, थकान और नींद दोनों मिक्स है। तो सोने लेटी तो चिल्ला रहा था किसी चीज़ पे, फिर आँख खुल गई, और एक बार मतलब तभी आँख लगी थी 5 मिनट पहले, और जब एक बार ऐसे मैं उठ जाती हूँ फिर दोबारा मेरी आँख नहीं लगती है, फिर मुझे नींद नहीं आती, दोपहर में मुझे वैसे भी कम नींद आती है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा सिर भारी भारी हो रहा है। देन मैंने हलवा थोड़ा सा बीच में बंद कर दी थी, कैसी इतनी थकान लग रही थी कि बंद करके लेटी थी मैं, फिर मैं उठी, मैंने कहा छोड़ो यार अब सो नहीं पाए तो क्या, फिर अब हलवा पूरा कर लेते हैं, तो हलवा पूरा कर दिया, बन चुका है, भगवान को भोग धराऊंगी। छोटी सी कटोरी में जो मैंने, फिर से मैं बोलूंगी तो लोग बोलेंगे बार बार आप मीशो का नाम लेती हूँ, लेकिन जब चीज़ें हैं तो फिर बार बार बोला जाता है, जो छोटी सी कटोरी मंगवाई थी मैंने चांदी जैसी, उसमें मैंने गणपति के लिए निकाल के रखा हुआ है, और विवेक को बुलाया चाय बनाने को, वो बना रहे हैं, बहुत थकान थकान सी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। क्या कर रहे हो बाबू, बन गई चाय, बन गई, ओके। ये देखिए ये मैं अभी भोग लगाऊंगी बस भगवान जी को, थोड़ी देर के बाद दिया करने का टाइम होगा ना 7 o'clock, अभी तो मैं चाय पीऊँगी बैठ के, थकान लग रही है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा। ये बैठे हैं विवेक जी, और ये सिलेंडर मुझे यहाँ से हटाना है, ये यहाँ रखा हुआ है 2 दिन से, याद ही नहीं रहता, बार बार भूल जाती हूँ। विवेक ये सिलेंडर हटा दो, अच्छी लग रही है वॉल, सिलेंडर हटा दो, यहाँ बड़े ख़राब लगता है रखा हुआ। हाँ आज बहुत थकान लग रही है, हाई करो। आज मेरी बीवी ने 3 किलो गाजर का हलवा बनाया अकेली ने खड़े रह के, थक गई हूँ, शी इज टायर्ड नाउ। नहीं और वैसे भी सुबह से पता नहीं थकान सी लग गई है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं आज आपसे ज़्यादा बात कर पाऊँगी, और मेरे चेहरे पे टपक ही रही है मेरी पूरी थकान, और कमर में और पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द है। ये सब लेडीज़ को पता होगा, ज़्यादा काम कर लो फिर कमर और पाँव दुखते हैं, और मेरे जो बच्चे हैं वो ऑपरेशन से हुए हैं तो नेचुरल सी बात है थोड़ा सा दर्द वर्द होता है कमर में। तो आज मैं बहुत थकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग बना पाऊँगी आज या प्रॉपर आपसे बातचीत कर पाऊँगी। तो आई थिंक मुझे इस व्लॉग को यहाँ स्टॉप करके कल के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और फिर ना ऐसे बेमन से अगर व्लॉग बनाऊँ तो वो ठीक से नहीं बनता, और फिर आप लोगों को देखने में मज़ा भी नहीं आता। और आज बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया है, दोनों का बहुत झगड़ा हुआ है अभी प्रशा का। तो दिन में ऐसा 15-20 मिनट लेटने का सोने का मन था, लेकिन बच्चों ने सोने नहीं दिया, मैं गुस्से भी हो गई दोनों पे, आज मेरा झगड़ा भी हो गया दोनों से। मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, तो बेटर है कि मैं इस ब्लॉग को कल पे कंटिन्यू करूँ या यहाँ पे एंड करूँ, बिकॉज़ मैं नहीं बात कर पा रही हूँ, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में। थकान बहुत लग रही है, आई थिंक ये लोग आ गए हैं। क्या हो रहा है? तो हम लोगों को एक छोटा सा काम था जिससे हम लोग अभी बाहर निकले हुए हैं, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, बहुत थकान फील हो रही थी इसलिए बस एक राउंड मारने हम लोग बस कार में निकल गए हैं। तो फिर आपको मिलती हूँ मैं घर पे पहुँच के, आराम से बात करते हैं फिर। ये क्या हुडी पहन के सिर पे कैप लगा के क्यों घूम रही? जादू बन के, जादू जादू क्या कर रहे हैं बाप बेटी? हमारे घर में ना इस वक्त रात को कितना 11 बजने वाला है, ग्रुपिंग बने हुए हैं, बाप बेटी का ग्रुपिंग और हम माँ बेटे का ग्रुपिंग। मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं, आज मेरा बेटा मेरे पाँव दबा के दे रहा है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। और ये मेरे पाँव दबा रहा है मेरा बच्चा, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है जैसे मैंने आपको बताया। तो शे हाय बाबू। तो चलिए यहाँ पे व्लॉग एंड करती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी सी हो रही हूँ, ठीक से बात नहीं कर पाऊँगी, उससे अच्छा है व्लॉग एंड कर दूँ। आई होप पसंद आया होगा गाजर के हलवे का रेसिपी, तो ज़रूर लाइक करना व्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय गाइस।